नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यू। मार्वेलस मिसेस इंडिया 2024 में महिलाओं ने अपनी खूबसूरती से सबको हैरान कर दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर के द्वारा मार्वेलस मिसेस इंडिया 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से महिलाओं ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन में हिंदुस्तान के अलावा विदेशों से भी भारतीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अद्भुत और खास आयोजन में मुख्य अतिथि व जज के रूप में आए बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रितु शिवपुरी, मिक्की मेहता, रीना ढाका, अंजलि सहनी आदि ने आयोजन में उपस्थित होकर सभी सम्मिलित महिलाओं का मनोबल बढ़ाया। इस खास आयोजन पर अभिनेत्री डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने सभी सहभागियों का मनोबल बढ़ाया व मीडिया से बात करते हुए कहा कि महिलाएं केवल बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, यदि महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो उनको भी उचित सम्मान व पारिवारिक प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है। देश की बेटियां चांद पर पहुंच रही हैं क्योंकि उनके परिवार और समाज ने उनका मनोबल बढ़ाया था। महिलाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, बस कमी होती है तो उनको बढ़ावा देने वाले लोगों की। और क्या कुछ कहा मार्वेलस मिसेस इंडिया 2024 में जीतने वाली महिलाओं ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि मार्वेलस मिसेस इंडिया ये जो पैजेंट है ये एक्चुअली सिर्फ एक पैजेंट नहीं है, लेकिन ये एक नारी शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट, दिस इज़ माय मंत्र फॉर दिस पैजेंट। और मैं यही चाहती हूँ कि मैरिड वीमेन जो होती है वो अपने आप को ध्यान दे, सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाले, एंड दीज गर्ल्स आर गोइंग टू टेक दैट मैसेज फॉरवर्ड और इंस्पायर करेंगी उनके अलग अलग देशों से हैं, एक्चुअली है इंडियन बट दे आर ऑल ओवर, एक यूएस से है, एक यूएई से है, एंड दिस इज़ फ्रॉम आमची मुंबई। सो ये मैसेज स्प्रेड करेंगी कि अपने खुद का जो आइडेंटिटी होती है तो उसे भूलना नहीं है, उसे सक्षम करना है, रखना है, ताकि आप आपका और फैमिली का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से दे पाओ। तो यही रीज़न है कि मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है, एंड दीज आर माई थ्री मिनट्स। अदिति गोवित्रिकर खुद मिसेज इंडिया, मिसेज वर्ल्ड रही हैं, रेनिंग फ्रॉम इंडिया टिल लास्ट ईयर, उनके कॉम्पिटिटिव कोई नहीं आया है। आज उन्होंने ये अपने ऊपर एक कीड़ा उठाया है कि वो सब जगह से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लड़कियों को, टैलेंट्स को लेके आएंगी, टू ब्रिंग देम टू द वर्ल्ड विद द टैलेंट एंड टू शो देम दैट मैरिड वुमेन ऑल्सो हैज़ प्लेस ऑन द रैंक। सो ये एक लाइफ टर्निंग मोमेंट है मेरे लिए। अगेन मैं डॉक्टर अदिति का तहे दिल से थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे आके आई कैन शो द अदर साइड ऑफ मी। मेडिकल डॉक्टर हो के मरीज़ों का इलाज करना एक अलग बात है, पर फैशन इंडस्ट्री में आके, शादी के बाद में इस इंडस्ट्री में आके और कुछ डिफरेंट कर पाना, दैट इज़ होल डिफरेंट थिंग। मार्वेलस मिसेस इंडिया 2024 की शुरुआत जो हुई है बाय द वन एंड ओनली, हम सब की फेवरेट, हम सब की जान, रिनाउंस सुपर मॉडल, एन एक्ट्रेस एंड आर इनॉग्रल मिसेस वर्ल्ड अदिति गोवित्रिकर, उन्होंने शुरू किया है ये ब्यूटीफुल पैजेंट। तो मैं इतनी खुश हूँ आज, इसलिए खुश हूँ क्योंकि मुझे ये होस्ट करने का मौका मिला, एंड वी ऑल बीन बिग फैंस ऑफ डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर, एंड एट द सेम टाइम वो इतना एम्पावर करती है और एनकरेज करती है लड़कियों को, एंड शी बीइंग अ मेंटोर इज अनबिलीवेबल। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया है मैम ने, क्योंकि हम मिस इंडिया तो देखते हैं लेकिन मिसेस इंडिया में जो आती हैं वो कहीं ना कहीं उनके एक मन के अंदर एक दबी हुई इच्छा होती है, जिसकी वजह से वो अब इस मिसेस बनने की कोशिश करती हैं वो। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैम ने आगे देखे आई, अदिति मैम हमारे लिए, और हम फीमेल्स ही हैं जो इसको आगे और अच्छे से शोकेस कर सकते हैं। अभी ये नेशनल लेवल पे, आगे इंटरनेशनल लेवल पे मैम लेके जाएंगी। मेरा अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा, सारे ही कंटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है इस शो के द्वारा, और मुझे लगता है इस तरह के शो में हम लोग एक डेवलपमेंट होता है इमोशनल, मेंटल और सोशल तरीके से। तो ये शो बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत ही कामयाब रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के लिए ये और भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पार्टिसिपेट करेंगे। काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मैं एक जगह पैजेंट, मॉडलिंग, फैशन ये सब कर पाऊँ, अपनी इच्छाएँ पूरी कर सकूँ, एंड आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म। आई एम वेरी grateful to Dr. Aditi and marvelous Mrs. India team. They've done a wonderful job here. Thank you so much. I think just believe in yourself. खुद पे अगर भरोसा है
तो आप कोई भी माउंटेन्स क्रॉस कर सकते माउंटेन्स चढ़ सकते हो, रिवर्स क्रॉस कर सकते हो, जो मन लगाओगे जहाँ पे भी, इफ यू पुट योर हार्ट एंड माइंड टू समथिंग यू विल बी एबल टू अचीव दैट। इस शो पे लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इट वॉज एन MMI फैमिली, पूरी फैमिली बन गई थी हमारी एंड हर एक टाइम हम साथ में थे, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, कॉम्पिटिशन हमारा खुद से था, इट वॉज नॉट विद ईच अदर बट विद एंड एवरीबडी वर्क हार्ड फॉर इट, आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ अस। सो अदिति जी मेरी बहुत पुरानी सहेली हैं, शी इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल ह्यूमन बींग, बहुत इंटेलिजेंट हैं, डॉक्टर हैं खुद भी एंड वो हमेशा औरतों को सपोर्ट करती हैं, वो ऐसी औरतों में से नहीं है जो दूसरी औरत को नीचा दिखाएं, या आपको पता ही है बहुत सारी औरतें औरतों को खुद को सपोर्ट नहीं करती, शी इज़ नॉट लाइक दैट, वो बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छी इंसान है एंड शी इज़ अ वंडरफुल डॉक्टर ऑल्सो। मैं क्या कहूँगी कि उनसे अच्छा और मिस वर्ल्ड रह चुकी है, शी इज़ ब्यूटिफुल, तो उनसे अच्छा कोई ये पैजेंट करने लायक है नहीं। आई थिंक ये वेरी सून विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट पैजेंट्स इन द कंट्री। पहली बार जो उन्होंने किया है, आई डोंट थिंक मैंने कभी, जो लोग इस बार भी कर चुके हैं, इतना ब्यूटिफुली ऑर्गेनाइज मैंने कभी नहीं देखा। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। जब डॉक्टर अदिति ने ये लॉन्च किया था मार्वेलस मिसेज इंडिया, तो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द ट्रांसफॉर्मेशन दैट शी प्रॉमिस्ड अस व्हेन वी साइंड अप एंड इट वाज डेफिनेटली डिलीवर्ड। थैंक यू। आम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए सफर आपके साथ न्यूज़।